कहीं भी लोग किस करने लगते हैं तो इंडियंस को थोड़ा सा एक्वाड लग सकता है जो किस सामने के लिए। देखिए रात के बज गए हैं 10 और अभी ऐसा माहौल है पेरिस का, और मेट्रो का ही देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन, तो हम लोग मेट्रो का साइन लेकर के गूगल मैप लगा करके हम लोग जा रहे हैं। 5-6 मतलब 5 स्टॉप्स के बाद आपको छठे पर उतरना है, लगभग लगभग 13 मिनट लगेंगे। अभी हम लोग हैं बर्सी में, हम लोग जा रहे हैं मिरामिड। पहले मुझे लगा था कि फ्रांस में लोग अच्छे से इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो हम लोग को घूमने में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों ने मेरी मदद की, जिससे भी हम लोगों ने कुछ जाना चाहा उन्होंने रुक के बताया, और बहुत जगह हम लोग इंडियन से मिले जो मुझे हिंदी में भी समझा रहे थे। हम लोग का जो स्टॉप होगा कैडेट में होगा, तो ये है फ्रांस की मेट्रो, पेरिस की मेट्रो। रात के बज गए हैं 10:20, कम इंग्लिश जानते हैं तो भी हम लोग पूछ के जैसे तैसे यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। और देखिए फ्रांस की मेट्रो बहुत ही पुराना यहाँ का मेट्रो सिस्टम है। यूरोप में हर जगह लोग कहीं भी लोग किस करने लगते हैं तो इंडियंस को थोड़ा सा एक्वाड लग सकता है जो किस सामने के लिए। हम लोग की मेट्रो आ गई है लाख पवड़ने के लिए, हम लोग को उतरना है कैडेट स्टेशन पे। जा रहे हैं कैडेट मेट्रो स्टेशन पे, उसी के पास हम लोग का होटल है। आ गया है हम लोग का कैडेट स्टेशन, ये है कैडेट स्टेशन, हम जा रहे हैं एग्जिट की ओर। कैडेट मेट्रो स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं, देखिए ऐसा माहौल है। रात के बज गए हैं 10:45, देखिए अभी भी स्ट्रीट काफ़ी गुलजार है। देखिए सामने एक बार लॉन्ज है, मैं रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे सामने और भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग जाएंगे मैकडोनाल्ड में। और यहाँ पे नाइट लाइफ तो अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी लोग अभी तक एक्टिव हैं, और अभी देखा कि थोड़ी देर पहले पार्क में भी काफ़ी लोग एक्टिव थे, अभी लोग जिमिंग भी कर रहे थे, रात को 10 बजे लोग जिमिंग कर रहे थे। तो चलते हैं मैकडोनाल्ड में, आज खाते हैं, कल देखा जाएगा कोई इंडियन रेस्टोरेंट खोज करके खाया जाएगा। देखिए पहुंच गए हम लोग पेरिस के अपने होटल में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हम लोग आज हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और मैडम का आज बर्थडे है, तो बर्थडे मनाने हम लोग आ गए हैं एम्स्टर्डम से पेरिस। तो आज हम लोग पेरिस घूमेंगे भी, अभी जा रहे हैं सबसे पहले एफिल टावर, और उसके बाद एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने के लिए। तो आज का दिन हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। मेट्रो है हमारे कौ मार्टिन, यहीं से हम लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टिकट्स के लिए मशीन भी है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं काउंटर पे, क्योंकि काउंटर पे थोड़ा पता भी करना है कि जो मेट्रो की पास जो है बस में काम करती है कि नहीं करती है। और देखिए मेट्रो से हम लोग उतर गए हैं, मेट्रो मुझे लेनी पड़ेगी। तुम बैठे हुए हैं लेना बस स्टॉप पे, और यहाँ से एफिल टावर सिर्फ 1.3 किलोमीटर है, तो हम लोग ने डे पास ले लिया है, तो जो कि मेट्रो और बस सब में काम करता है। ये है लेने का बस स्टॉप, ये है बस स्टॉप। देखिए यहाँ का फूड मार्केट है, और सामने ही दिखाई दे रहा है एफिल टावर। आ गए हैं एफिल टावर के पास, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, सामने काफ़ी सारे फाउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग हैं, चहल पहल भी है। तो जैसे ही हम लोग आ रहे थे तो वैसे ही यहाँ पे कुछ लोग गेम खिलाते हैं, मैं रोड देखे और पीछे भी गेम हो रहा है, वो वहाँ पे जो है
वहाँ पे स्कैम होता है बहुत ज़्यादा। पहले मैं वीडियो बना था, बोला कि वीडियो नहीं बनाना है, और जब मैडम को वो जो लेडीज बोल रहे कि ठीक है आइए आप भी गेम खेलिए, मतलब कि जो लोग नीचे पैसा रखते हैं ना ये जाते हैं, तो मैडम को बोले तो मैडम जाने लगी थी। तो मैंने बोला कि यहाँ सब स्कैम होता है, तो आप लोग कभी इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, सारा का सारा यहाँ पे स्कैम है, बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। तो अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए, और जाना है हम लोग एफिल टावर पे। और देखिए इधर है एफिल टावर, और देखिए बिग बस के लिए यहाँ पे मिल रही है टिकट 45 डेज, यूरोप में एक दिन का है पूरा, आप कहीं भी चढ़ के कहीं भी उतर सकते हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है फोटोज़ लेने के लिए, तो हम लोग वेट कर रहे हैं अपना कि हम लोग को अच्छा लोकेशन मिले फोटो लेने के लिए। ये इंग्लैंड से है, वो सिखा रही है कैसा सेल्फी लेना है एफिल टावर का। ये देखिए ये एफिल टावर है। बोट टूर भी हो रही है, बहुत से बोट टूर है, तो बोट टूर का तो 18 यूरो लगता है, बराबर 1600 रुपये के आसपास में। सामने देखिए काफ़ी नई नई बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छा वहाँ का व्यू आ रहा है। और जा रहे हैं हम लोग टिकट लेने के लिए। अगली वीडियो में मैं एफिल टावर के ऊपर से पूरे पेरिस का शानदार व्यू दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ।